ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में जब फिल्मी दुनिया में मेल एक्ट्रेस का दबदबा होता था, उसी दौर में कई अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती और संजीदा अभिनय से अलग पहचान हासिल की थी। उन्हीं में से एक थी शोभना सामर्थ। शोभना सामर्थ को हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर याद किया जाता है। 17 नवंबर 1916 को शोभना सामर्थ का जन्म मुंबई में हुआ था। बचपन में ही पिता को खो चुकी शोभना सामर्थ ने टीनेज में ही अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। साल 1935 में रिलीज हुई मराठी फिल्म निगाहें नफरत से शोभना ने अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1943 में रिलीज हुई फिल्म राम राज्य शोभना के करियर की बेहतरीन फिल्म रही थी। इस फिल्म में शोभना ने सीता का रोल प्ले किया था। एक्टिंग के अलावा शोभना सामर्थ ने कई यादगार फिल्मों का सफल निर्देशन भी किया। हिंदी सिनेमा की दो बेहतरीन अभिनेत्रियां नूतन और तनुजा शोभना सामर्थ की ही देन हैं। शोभना सामर्थ ने सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर कुमार सेन सामर्थ से शादी की थी। शादी के बाद शोभना 4 बच्चों नूतन, तनुजा, चतुरा और जयदीप की मां बनी। मां के नक्शे कदम पर चलते हुए नूतन ने भी अभिनेत्री बनने का सपना देखा था। नूतन के सपने को पूरा करने के लिए और उन्हें फिल्मी दुनिया में लॉन्च करने के लिए शोभना ने साल 1952 में फिल्म हमारी बेटी बनाई थी। इस फिल्म का निर्देशन खुद शोभना सामर्थ ने किया था, लेकिन माँ बेटी के इस अटूट रिश्ते में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब नूतन ने खुद अपनी माँ शोभना से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। ये रिश्ते फिर कभी सुधर नहीं पाए थे। क्या है ये किस्सा, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल नूतन को शोभना ने अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इस फिल्म कंपनी में नूतन भी मां की हिस्सेदार थी। नूतन फिल्मों से जो भी कमाई करती थी वो सारी कंपनी में ही जाती थी। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना समर्थ खुद संभालती थी। मां पर नूतन को इस कदर भरोसा था कि वो कंपनी से जुड़े मामलों में कभी सवाल जवाब भी नहीं करती थी। लेकिन भरोसे की ये मजबूत दीवार तब टूटी जब इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने के लिए एक लेटर घर आ गया। शोभना समर्थ ने वो लेटर नूतन को थमाकर पूरा टैक्स उन्हें चुकाने के लिए कह दिया। दरअसल टैक्स की रकम बेहद ज्यादा थी और नूतन कंपनी में सिर्फ 30% प्रॉफिट की हिस्सेदार थी। ऐसे में नूतन ने भी मां को साफ कह दिया कि वो अपने हिस्से का टैक्स भरने के लिए तैयार है। नूतन ने तर्क दिया कि मेरी सारी कमाई कंपनी में ही जाती है, फिर भी आप मुझे पूरा टैक्स भरने के लिए कह रही हैं, जो कि गलत है। लेकिन फिर भी शोभना जिद पर अड़ी रही और नूतन को ही टैक्स भरने के लिए कहती रही। शोभना टैक्स भरने के लिए किसी प्रॉपर्टी को बेचने के हक में भी नहीं थी। अंत में नूतन को समझ आ गया कि माँ के लिए इस वक्त रिश्तों से ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी ज्यादा महत्व रखते हैं। इसके बाद नूतन ने माँ का घर छोड़ दिया और अपने सारे रिश्ते भी परिवार से खत्म कर लिए। पति के साथ मिलकर नूतन ने अपने ऊपर आए टैक्स के पैसे चुकाए थे। माँ बेटी के बीच रिश्ते यूं बिगड़े थे कि बात कोर्ट तक पहुंच गई थी। इसके बाद तो शोभना समर्थ और नूतन के रिश्ते कभी ठीक नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट E24।